स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे A&M एडमिशन फॉर्म की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि J&M का जो कट ऑफ आया है बहुत ऊपर है और लोगों की पहुँच से भी ज़्यादा है, क्योंकि कट ऑफ मोर देन 86+ कट ऑफ रहा है और SC तक का जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर गया है। तो ये आप सभी लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो आइए देखते हैं A&M की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसी से कंपैरिजन कर, और उसके बाद आप पहले हम देख लेंगे सबसे पहले कि जो फॉर्म A&M का भरा जा रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट है A&M पर जाने की, तो उसको देखिए। ये डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज है, इसी पर A&M का फॉर्म भरा जा रहा। देखिए यहाँ आपको A&M और J&M और दोनों के लिए चीज़ों को मिल जाता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि जो A&M है, A&M और J&M एंड हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर फॉर्म अब भरा जा रहा है। इसे जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये हमें नए यानी admission.UPNHRM की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता है और यहीं पर ये फॉर्म जो है भरा जाता है। यहीं पर आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। आप जो J&M की देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है J&M की, यहाँ पर ब्लिंक करती हुई आपको नज़र आएगी। आप आसानी से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी फाइनल आनी बाकी है, तो ये यहाँ पर लिस्ट पड़ी हुई है। इसी में नीचे A&M का आप देख सकते हैं, तो A&M की लास्ट डेट 25 है, ज़्यादा वक्त अब फॉर्म भरने का नहीं बचा है। तो इसी कट ऑफ जो आया है J&M का, उसी के अनुमान के तहत हम यहाँ A&M की बात करेंगे। तो ये आप A&M देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 25 जो है जून इसकी लास्ट डेट है। जो आप कट ऑफ वहाँ पर देखे हैं J&M का, अगर आप कट ऑफ पर नज़र डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हुए हैं वो मोर देन 86% के लोग शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर जो शामिल हुए हैं वो 86% के लोग, इससे ज़्यादा लाने वाले लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो लगभग इसी के आसपास A&M की भी रहेगी, सीट्स ज़्यादा हैं लेकिन कैंडिडेट्स भी इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये, और इसी तरीके से OBC की 84 गई है, तो ये आप समझिए। और इसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये प्रोविजनल है, इसमें एक कई गुने ज़्यादा लोग यहाँ पर अब बुलाए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि EWS का 79.96 गया है और SC का EWS से ज़्यादा गया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि EWS का जो है कम और SC का ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। आरक्षण का जो नियम कहता है, उस आरक्षण के नियम के तहत EWS ST से भी नीचे जा सकता है, SC से भी नीचे जा सकता है, OBC से भी कम जा सकता है। और जो है बस ये हो सकता है कि वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से ऊपर नहीं रहेगा और बाकी सबसे नीचे वो रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रह सकता। और तुझे, क्योंकि उस 10% लोग जहाँ तक मिलेंगे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, यानी 86% के बाद, 86% के बाद ही वो 10% कैंडिडेट ढूंढे जाएंगे। 86% जहाँ तक रहा, ओपन सीट्स रहीं, उसके बाद ही वो 10% कैंडिडेट ढूंढे। जहाँ तक अनरिजर्व्ड के मिल जाएँ वहाँ तक वो परसेंटेज नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। तो ये OBC का रहा, ये अनरिजर्व का, EWS का रहा, फिर SC का 82 रहा और 78 जो है ST का रहता है। तो ये J&M का है, ये J&M का मेरिट कट ऑफ है जो आई है मेरिट लिस्ट, ये इतना गया है। इससे ऊपर वालों का जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे नीचे वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये है, तो लगभग इसी के आसपास जो है A&M का भी जो है रहेगा। यही कुछ लोग पूछ रहे थे चैनल पर कि क्या A&M का भी इसी तरीके से कट ऑफ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल इसी के आसपास, एक दो नंबर इधर उधर रहेगा, बाकी लगभग इसी तरीके से कट ऑफ रहेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, छोटी बड़ी जितनी अपडेट आएगी, आपके जो सवाल होंगे सभी के साथ मिलते रहेंगे। लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।